Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Nakius and again here brings you some important and realistic and practical thing for you. So today we will talk about video editing, and video editing will be start with Filmora editing. So Filmora is a software that can be fixed and kisi bhi configuration ke sath aapke PC laptop kisi bhi configuration ke sath bilkul fit baith sakta hai. Aur ye best software beginners ke liye aur bahut hi aasani se koi bhi shakhs bahut easily se ye aaram se seekh sakta hai aur ispe aaram se bahut practically aur professional video edit kar sakta hai. So hum start karte hain apni video editing. Magar video editing se pehle अगर आप लोग कुछ मुझे सजेशंस देना चाहते हैं कि भाई मैंने काफ़ी सारी वीडियोस मोबाइल एप्लीकेशंस के ऊपर बनाई और काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ 2-3 इंटरव्यूज़ भी लिए हैं और इसके अलावा मोबाइल एप्लीकेशंस के ऊपर बनाई, तो आप क्या सजेशन देते हैं कि भाई इसके अलावा मुझे किस चीज़ के ऊपर और किस काम के ऊपर मुझे काम करना चाहिए, किस चीज़ के ऊपर मुझे वर्क करना चाहिए, तो कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताइएगा और ताकि मैं कुछ सीखूँ और आप लोग को भी सिखाऊँ. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी कंटिन्यू द वीडियो. सो हियर वी स्टार्ट. हम अपना फिल्मोरा का सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से स्क्रीन आ जाएगी. हमें दो ऑप्शन सेलेक्ट करने होंगे. सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट या ओपन प्रोजेक्ट. ज़ाहिर है आप न्यू वीडियो बना रहे होंगे, न्यू एडिटिंग शुरू कर रहे हैं तो आप न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे. सही. अच्छा, उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका स्क्रीन सेलेक्शन. स्क्रीन सेलेक्शन आपके पास 4-5 ऑप्शन है, उसमें से आपने कोई एक ऑप्शन चूज करना है. विंडो स्क्रीन, इंस्टाग्राम, पोर्ट्रेट. अच्छा, ये इतनी सबसे अहम है. वाइड स्क्रीन जो है वो आपके ज़ाहिर है एक लैपटॉप स्क्रीन होती है, ये एक LED स्क्रीन होती है जहाँ पर आप अपनी YouTube वीडियोस वगैरह एडिट कर सकते हैं. इंस्टाग्राम पोर्ट्रेट, अगर आपने कोई वीडियो बना के, मिसाल के तौर पर आपने कोई अपना लेक्चर बना के अगर किसी तरह कोई भी वीडियो आपने अपलोड करनी है इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर, तो आपने ये दोनों ऑप्शन ले लेने ज़्यादा बेहतर. 1:1 का इंस्टाग्राम का साइज़ है. अगर आपने कोई इंस्टाग्राम या फेसबुक पर डालनी, तो होगा ये कि आप अगर आप कोई भी अपनी जो है वो फेसबुक वीडियो डालेंगे तो वो उसके पिक्सल्स ख़राब नहीं होंगे. सही है, लोग ज़्यादातर शिकायत ही करते हैं कि भाई हम फेसबुक पे वो वीडियो डालते हैं उसके पिक्सल्स ख़राब हो जाते हैं, उसकी जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है वो ख़राब हो जाती है. सही. अगर आप इंस्टाग्राम वाले साइज़ पे आप एडिट करेंगे तो वो ख़राब नहीं होगी. सही. हम अगर एक यूट्यूब वीडियो बना रहे तो हम वाइड स्क्रीन सेलेक्ट करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे. अच्छा भाई, अब हमारे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाता है हमारे पास फिल्मोरा का. हमारे पास ये दो जो है वो क्राइटेरियाज आ जाते हैं, हमारी दो कैटेगरीज होती हैं. ये जो लाइन आ रही है ये डिवाइड कर रही है. सही. अच्छा, ऊपर वाले जो है वो हमारा फाइल मैनेजर जो है वो है ये. यहाँ पर सारी वीडियो लाइब्रेरी या सारी लाइब्रेरी यहाँ पर आती है. और नीचे वाला जो हमारा ये एरिया है ये हमारा कहलाता है एडिटिंग एरिया. सही. हम सबसे पहले कोई फाइल इंपोर्ट करेंगे. सही. वीडियो फाइल इंपोर्ट कर लेते हैं भाई. सबसे पहले आपने कोई वीडियो जो आपने एडिट करनी है वो आपने खा लेनी है. तो फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वीडियो उठा ली जो मुझे एडिट करनी है. अच्छा, इसके बाद आप चाहें तो ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं या फिर आप प्लस का निशान ये क्लिक करेंगे और ये आ जाएगा यहाँ पर, इस तरह ये इंपोर्ट हो जाएगी. सही. अच्छा, अब हमारी सबसे पहले इंपोर्ट करने के बाद जो हमारा सबसे नंबर 2 क्राइटेरिया जो है हमारा वीडियो एडिटिंग का, वो हमारा है सबसे पहला ट्रिमिंग. यानी सबसे अगर कोई मिसाल के तौर पे इस वीडियो के अंदर कोई फ्लॉ आ गया या कोई परेशानी आ गई, मिसाल के तौर पे ये मैंने कुछ भी नहीं बोला कुछ सेकंड तक. सही है, तो हमें इसको हटाना है. कैसे हटाएंगे भाई? आपने इस वीडियो क्लिप को सेलेक्ट करना है और जैसे ही इधर आएंगे लेफ्ट साइड पर आपने एरो रखा, कर्सर की रखा, तो आपके पास ये अलग सा कर्सर की शो हो रहा है. ये ट्रिमिंग कर्सर की है. यहाँ पर आपने उठाया और जहाँ से मैंने कुछ भी नहीं बोला वहाँ तक मैंने सेलेक्ट कर लिया. अब ये शुरू का स्टार्ट का हो गया. अब मुझे आखिर में करना है तो इसी तरह आखिर में मैं लेके जाऊंगा अपना कर्सर और वहाँ से मैं एडिट कर सकता हूँ. अच्छा, अब प्रॉब्लम ये आती है कि भाई अगर कोई सेंटर में कोई ऐसा फ्लॉ आया है या सेंटर में कोई आवाज़ मेरी ख़राब हो गई या सेंटर में कोई मसला है, मिसाल के तौर पर मुझे यहाँ मसला है. सही है, मैं अपनी ये लाइन वहाँ लेके जाऊँगा, ये एडिटिंग लाइन वहाँ लेके जाऊँगा और यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूँगा. राइट क्लिक करने के बाद स्प्लिट करूँगा. यहाँ पर ये मेरी वीडियो जो है ये दो हिस्सों में स्प्लिट हो चुकी है, टूट चुकी है. सही है, देखिए ये स्प्लिट टूट चुकी है. राइट क्लिक करूँ, लेफ्ट राइट क्लिक करूँगा और रिपीट एडिट कर दूंगा, इस तरह वापस से आके मिल जाएगी. अच्छा, अब यहाँ पर मैं अपनी एडिट कर सकता हूँ. मिसाल के तौर पर मेरा यहाँ पर जो है मसला है, यहाँ पर इतने सेकेंड का ये मेरा फ्लॉ आया था, मुझे काटना है. सही है, मैं इस पर ही अपना कर्सर की लेके जाऊँगा और यहाँ से
ऐसे एडिट कर दूंगा, वो मेरा जो फ्लो होगा वो यहाँ से कट जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद परेशानी क्या है, अब जैसे मैं वीडियो प्ले करूंगा इसमें एक कट का जो है, मिसाल के तौर पे ज्यादातर ये होता है एक कट सीन जो है वो प्रॉब्लम करता है। जैसे मिसाल के तौर पे इसमें मेरी आवाज़ जो है वो कटी होगी, सही है, या एक नया सीन शुरू होने में ये देखें एक कट सीन महसूस हुआ, सही। अब इसको ख़त्म करने का क्या तरीका है, वो हमारा ट्रांजिशंस है। ट्रांजिशंस जो होती हैं वो हमारी कट सीन को ख़त्म कर सकती हैं। ट्रांजिशंस क्या होती हैं भाई, ट्रांजिशंस जैसे आपने इंस्टाग्राम स्लाइड शो यूज़ किए होंगे पावर पॉइंट के, जिसके अंदर जो वो ट्रांजिशंस दिखाते हैं, जब स्लाइड चेंज होती है तो एक थोड़ा सा एनिमेटरी लुक आता है, वो कहलाती हैं ट्रांजिशंस, सही है। अब मुझे ट्रांजिशन हमारे पास दो किस्म की है, एक वो सिंपल पावर पॉइंट वाली जो है वो ट्यूब हो गया, और इस तरह से कोई भी अलग अलग हज़ारों किस्म के हमारे पास ट्रांजिशन हैं। एक हमारी वो स्लाइड शो वाली ट्रांजिशन है, दूसरी हमारी यहाँ पर लीनियर एनिमेशन कार्टूनिस्टिक जो है वो लुक देती हैं, सही है। ये हमारे पास लीनियर की क्राइटेरिया है, कैटेगरी है, सही। अब मिसाल के तौर पे आप यहाँ से भी क्लिक ये ले सकते हैं, और या चाहें तो वो वाली भी ले सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मुझे इस वाली जो वीडियो है इसके सेंटर में मुझे की लगानी है ट्रांजिशन, तो क्या करूँगा, ये सेंटर ये वाली वीडियो मैं लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करूँगा और कोई भी मैं ट्रांजिशन क्लिक कर लूँगा, सही। अब क्या करूँगा भाई, मुझे सेंटर में लगानी है इसको, क्योंकि ये मुझे कट हटाना है, सेंटर में लेके जाऊँगा और यहाँ से मैं को कम कर दूंगा, ज्यादा ड्यूरेशन नहीं रखना मुझे ट्रांजिशन का, कम ड्यूरेशन रखना है। तो आप देखें ये ट्रांजिशन कोई सूट नहीं करी, तो भाई मैं चेंज कर सकता हूँ, डिलीट का बटन दबाऊंगा डिलीट हो जाएगी, और ये क्यूब वाली लगा देता हूँ। आप इसे वीडियो सेलेक्ट करूंगा, क्यूब क्लिक करूंगा तो आ जाएगी, ठीक है। उसका ट्रांजिशन का टाइम थोड़ा कम कर लेते हैं भाई, ये हमने ट्रांजिशन टाइम थोड़ा कम कर लिया, ये देखिए, ठीक है। इस तरह हमारी ट्रांजिशन ऐड हो सकती है। अब स्टार्ट में मुझे कोई लगानी है, स्टार्ट में मैं या एंड में लगानी है, ये वाली मैंने क्लिक की, और लीनियर वाली, लीनियर में से मैंने कुछ भी ट्रांजिशन उठाई और लगा दी, ठीक है। यहाँ पर मैंने ऐसे करके एंड में ट्रांजिशन, ठीक है, इस तरह हम ट्रांजिशन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ट्रांजिशन के बाद जो हमारा अब नंबर थ्री जो हमारी चीज़ आती है वो हमारे टाइटल्स आते हैं, सही है। टाइटल्स हमारे पास भी तीन चार किस्म के हैं, तीन किस्म के बेसिकली हमारे पास टाइटल्स हैं। एक सबसे पहले स्टार्टिंग वाले टाइटल्स, जो हमारे क्रेडिट टाइटल्स तो नहीं कहलाते, वो इंट्रोडक्टरी टाइटल्स होते हैं बेसिकली, इंट्रोडक्टरी टाइटल्स या थीम टाइटल्स जो आप कहलाते हैं, सही है। अब मुझे मिसाल के तौर पर स्टार्टिंग में जो स्टार्टिंग की मुझे थीम टाइटल है वो डालना है, तो थीम टाइटल मुझे है बिल्कुल लास्ट के अंदर मिलेंगे टाइटल्स में जाके, ये हमारे थीम टाइटल, ठीक है। अब से फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला टाइटल समझ आया, मैंने इसको क्लिक किया और यहाँ पर ऐड हो गया। अब प्रॉब्लम ये है कि ये ओवरलैप हो जाएगा इसके ऊपर, ये देखिएगा ये ओवरलैप हो गया, मेरी वीडियो छुप रही है। मैं क्या करूँगा इसको कंट्रोल दबा के दोनों को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से थोड़ा सा इसको राइट पे शिफ्ट कर दूंगा, ठीक है। इस तरह जो है ये मेरी पूरी जो है वो टाइटल भी चल जाएगा और फिर मेरी वीडियो भी इसमें ओवरले नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मैं अपना कोई भी थीम दे दूँ, मिसाल के तौर पे मैं एडिटिंग सिखा रहा हूँ, तो आपने डबल क्लिक करना है यहाँ से एडिटिंग आइए फिल्मोरा, ठीक है। इस तरह मैंने अपना थीम का नाम दे दिया, डेट डाल दी भाई, आज की डेट हमारे पास 31 है, 31 March 20, ठीक है। इस तरह आपने डेट डाल दी। अच्छा, ये हमारा सबसे स्टार्टिंग वाला जो हमारा थीम टाइटल होते हैं वो हमारे सेट हो गए। अब हमने आखिर में आखिर के टाइटल्स कहलाते हैं भाई, क्रेडिट टाइटल्स, जो हमने क्रेडिट जो जिस जिसने वीडियो बनाने के अंदर काम किया होता है वो हमारे क्रेडिट टाइटल्स होते हैं, वो आपको सबसे स्टार्ट में मिलेंगे। ये हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, मुझे ये क्रेडिट वन समझ आया, मैंने ये उठा लिया, ठीक है। अब जिस जिसने इसके अंदर इस वीडियो में हेल्प की, कैमरामैन, एडिटिंग वगैरह जो भी है, यहाँ पर आप अपने नाम डाल सकते हैं। अच्छा, अब नंबर थर्ड जो आते हैं वो हमारे
जो है वो लेबलिंग टाइटल्स कहलाते हैं या नेम्स या हाईलाइट कहलाते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर आपको पता है कि भाई मैं अपनी वीडियो में स्टार्ट में अपना नाम ज़रूर लिखता हूँ, ठीक है। तो जहाँ भी मुझे नाम अपना स्टार्ट करना है मैं वहाँ पर ये लाइन लेके जाऊँगा। मिसाल मैं चाह रहा हूँ कि भाई अस्सलाम वालेकुम के बाद मैंने अपना नाम लिया है, तो भाई मैं अस्सलाम वालेकुम के बाद अपना मैंने देखा कि भाई अस्सलाम वालेकुम कहाँ ख़त्म हो रहा है, यहाँ पर शुरू हो रहा है, आई एम नक्यूसन यहाँ से शुरू हो रहा है, तो मैं यहाँ पर अपना नाम डालना चाह रहा हूँ, ठीक है। कोई भी आपने लेटर सेलेक्ट किया, कोई भी आपने फॉन्ट सेलेक्ट किया, ये सिलेक्ट कर लिया भाई आपने, इसकी ड्यूरेशन थोड़ी कम कर देते हैं, इतना लंबा नाम नहीं चलना चाहिए भाई, कुछ देर तक चले वो ये काम जा रहा है, उठा के वापस साइड में कर देते हैं, ठीक है भाई। इधर जाएंगे हम, इस तरह हमारा नाम आ सकता है, इसको मैंने एडिट कर लेता हूँ अपना नाम, कुछ वाजे नज़र नहीं आ रहा तो उसको मैं फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ। अब देखें बिल्कुल ही वाजे और क्लियर नज़र आ रहा है,